देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो टक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। मैं बात करूंगी काम्या सिंदूर द्वारा अंत में वशीकरण के बारे में और इससे क्या कुछ हो सकता है, इससे जुड़ी हुई बातें। घर में यदि आपकी नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है तो इसको समाप्त करने के लिए अपने घर के दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है, धन विद्या आदि की बढ़ोतरी होती है। यदि घर में आर्थिक तंगी है जिस कारण आप परेशान हैं तो उसके लिए एकाक्षी नारियल लेकर उस पर सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थान में रखना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए और माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह आप पर कृपा करें और धन ऐश्वर्य का दान करें, धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपने सूर्य और मंगल को मजबूत करने के लिए यह उपाय बहुत ज़रूरी है। सिंदूर को बहते हुए जल में यदि आप प्रवाहित करें तो बहुत आराम मिलेगा। तो ये जो है ये कारगर उपाय है, इसे यदि आप करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ ग्रह दशाएं आपकी फेवर में चलेंगी। चलिए अब जान लेते हैं काम्या सिंदूर द्वारा वशीकरण कैसे होता है। देखिए, एक तरीके से तो ये एक गलत प्रक्रिया है कि कभी हम किसी और व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करें, ये ठीक चीज़ नहीं है। लेकिन कई लोग करते हैं और इसके बहुत से प्रयोग हैं, क्योंकि सीरीज तंत्र मंत्र पे है इसलिए ये बना रही हूँ। एक चुटकी सिंदूर का उपाय है यदि पति पत्नी के मध्य प्रेम कम हो गया है जिस कारण आए दिन ग्रह कलह होती है और अशांति के कारण घर में बरकत नहीं है, तो उसके लिए आपको अपने पति के तकिए के नीचे एक चुटकी सिंदूर और छोटे जो है टुकड़े कागज़ के में आप सिंदूर रख के सो सकते हैं। इससे आपको लगेगा कि आपके संबंध जो है वो गहरे होते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको जो है परेशानी नहीं होगी। यदि आपका घर में क्लेश चल रहा है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, तो आप छोटा सा उपाय करें। आप इस प्रयोग द्वारा अपनी इच्छा का पूरा पूरा जो है लाभ ले सकते हैं। मंत्र प्रयोग क्या है, सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर माँ कामाख्या मंदिर से प्राप्त सिंदूर को एक चांदी की डिब्बी में रखकर इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें और उसके बाद एक चुटकी सिंदूर लेकर मंत्र जप करके गंगा जल केसर चंदन मिलाकर मस्तक में तिलक लगाएं। तो ऐसा करने से जो भी व्यक्ति आपको देखता है वो कहीं ना कहीं आपसे आकर्षित होता है, आपका प्रभाव बढ़ता है। ये क्रिया शुक्रवार को प्रारंभ करनी चाहिए, लगातार 7 या 11 शुक्रवार तक करनी चाहिए, तभी ग्रह पूर्ण फलदायक होते हैं। ये मंत्र है कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वता वासिनी देवी जगत माता योनि मुद्रा नमोस्तुते। देखिए, वशीकरण प्रयोग जो है इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करते हैं या वश में करते हैं और आपका उनसे कोई भी संबंध अच्छा नहीं है या फिर आप इस कारणवश करें कि आपके छोटे छोटे कार्य सिद्ध हो जाएं, तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदे वाली नहीं होती हैं। तो सिंदूर और वशीकरण प्रयोग मिलते तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सावधानियों के साथ इन्हें करना है। ऐसी ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पे। नमस्कार। देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप।